भगवद गीता अध्याय 14 प्रकृति के तीन गुण। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण एक अत्यंत रोचक विषय पर चर्चा करते हैं, वह है प्रकृति के तीन गुण। हम जो कुछ देखते, सुनते, चखते, स्पर्श करते अथवा सूंघते हैं, ये तीन गुण सभी में व्याप्त रहते हैं। हमारी जीवन शैली, भावना तथा व्यवहार भी इन तीन गुणों के अंतर्गत ही होते हैं। ध्यान पूर्वक किए गए विश्लेषण द्वारा हम जान सकते हैं कि भ्रम के अधीन लोग स्वयं को स्वतंत्र कर्ता मान बैठते हैं, जबकि वास्तव में वे इन तीन गुणों के प्रभाव में कार्य करने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति प्रकृति के इन गुणों को पार नहीं कर लेता, तब तक ये गुण उसे सदा के लिए इस भौतिक जगत में बांधने का कार्य करते हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहम् बीज प्रदप्पिता। हे कौन्तेय, भौतिक प्रकृति के गर्भ से प्रत्येक योनि का जन्म होता है और मैं उन सब का बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। श्लोक क्रमांक 1-9। तीन गुण। संस्कृत में धागा या रस्सी को भी गुण कहा जाता है। ये तीन गुण व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि सत्वगुण की प्रधानता है तो व्यक्ति अस्थाई असुविधाएं उठाते हुए भी दीर्घकालिक सुख के लिए प्रयास करता है और अक्सर उसे वह प्राप्त हो जाता है। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति व्यग्रता पूर्वक तुरंत तात्कालिक लाभ के लिए प्रयास करता है और इससे अधिक वह जीवन से कुछ अपेक्षा नहीं रखता, जबकि तमोगुण की प्रधान वाले व्यक्ति को विरला ही कोई सुख मिल पाता है। इस प्रकार इस भौतिक संसार में विभिन्न स्तर के लोग रहते हैं। श्लोक 10-13। सत्ता की होड़। व्यक्ति के भीतर ही इन तीन गुणों में सत्ता की होड़ लगी रहती है। एक ही दिन में भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न गुणों की प्रधानता रहती है। सामान्यतया सत्वगुण व्यक्ति को सुख, विवेक, परोपकार एवं दान की ओर प्रेरित करके ज्ञान एवं शांति प्रदान करता है। रजोगुण लोभ, क्रोध एवं निराशा जैसे गुणों को उजागर करके व्यक्ति को भ्रमित एवं उत्तेजित करता है। तमोगुण व्यक्ति के जीवन को अंधकारमय बनाकर उसे बाधित करता है, जिसके फलस्वरूप अक्सर आध्यात्मिक निद्रा, उपेक्षा, आलस्य और जड़ता देखी जाती है। श्लोक क्रमांक 14-18। गुणों का अंतर्गत कार्य। पुनर्जन्म की विधि द्वारा आत्मा को वर्तमान शरीर में किए गए कार्यों के आधार पर नया भौतिक शरीर प्राप्त होता है। हमारे कार्य हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों का परिणाम होते हैं। हमारे निर्णय हमें प्रभावित करने वाले गुणों पर आधारित होते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन के सर्व प्रमुख गुण के आधार पर भावी जीवन प्राप्त होता है। संक्षेप में कहा जाए तो सत्वगुण में स्थित व्यक्ति उच्च लोकों में जाता है, रजोगुण में स्थित व्यक्ति भूमि लोक पर ही जन्म लेता है और तमोगुणी व्यक्ति नारकीय लोकों में प्रवेश करता है। श्लोक क्रमांक 19-27। शुद्ध जीवन। इन विविध विवरणों द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम किन किन गुणों के मिश्रण द्वारा प्रभावित हैं। अध्याय का समापन उस आदर्श स्थिति के वर्णन द्वारा होता है, जिसमें स्थित रहकर व्यक्ति सफलता पूर्वक मनुष्य जीवन व्यतीत करने के बाद उच्च गति प्राप्त करता है। यद्यपि तीन गुणों में सत्वगुण सर्वाधिक प्रगतिशील है, तथापि यह भी जीवात्मा को कर्म बंधन में बांधता है। कर्म फलों से पूरी तरह मुक्त होने के लिए व्यक्ति को सत्वगुण से भी ऊपर उठकर स्वयं को आध्यात्मिक स्तर पर स्थापित करना होगा। इस स्तर को केवल दृढ़ संकल्प द्वारा की गई भक्ति तथा तीन गुणों को पार कर चुके लोगों से प्रेरणा एवं सहायता लेकर ही प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ऐसे परिपूर्ण आध्यात्मवादियों के गुणों का वर्णन करते हैं जो इस जीवन में भी अमृत का आस्वादन करते हैं। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य
प्रत्येक परिस्थिति में दृढ़ता पूर्वक भक्ति में संलग्न रहता है वह तत्काल प्रकृति के गुणों को लांघकर ब्रह्म स्तर प्राप्त करता है।